सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण के भेद बताने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इनके नाम बताए थे कि क्रिया विशेषण के भेद कौन से हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं इनके भेदों का वर्णन कर रही हूँ। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो विशेषण क्रिया के करने अथवा होने की रीति, रीति का मतलब विधि, रीति का विधि का बोध कराए, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे बोलो, जल्दी चलो। अब यहाँ पे बोलो क्रिया है और जो धीरे है ये है रीतिवाचक, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और जल्दी चलो में जो जल्दी है ये रीतिवाचक है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्रिया के करने अथवा होने के स्थान का बोध कराए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ। इधर उधर मत खेलो, यहाँ वहाँ मत दौड़ो, तो इधर उधर और यहाँ वहाँ है जो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्रिया के करने अथवा होने के समय का बोध कराए, जैसे काल से ही पता चलता है, काल का मतलब समय, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, सदा मतलब हमेशा, तो ये जो सदा है यहाँ ये समय है, भाई हमेशा सत्य बोलो। दिन भर मत खेलो, दिन भर मतलब सारा दिन मत खेलो, ये भी यहाँ पर जो दिन भर है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्रिया के माप अथवा परिमाण यानी नाप तोल को बताए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक तोलो, यानी यहाँ पर बोलने के लिए कहा कि कम बोलो, तो ये इसका माप है, परिमाण है। अधिक तोलो, और जो तोलना क्या है, अधिक तोलो, कोई भी वस्तु है उसको तोल रहे हैं, अधिक तोलो, ये उसकी मात्रा बताई गई है, तो इसका परिमाण है या नाप तोल है। आशा है आपको क्रिया विशेषण के भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।